से नहीं चलता है, हार्ड वर्क से देश चलता है और हमने हार्ड वर्क करके दिखाया है। बी मस्ट डू मस्ट। आवर प्रोग्राम स्टैंड्स आउट एट द मोस्ट cost effective in the world. अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य। आप 12 घंटे काम करेंगे, मैं 13 घंटे काम करूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे हैं, ये मोदी के वो बोल बचन हैं जिनके दम पर वो देश के चौतरफा विकास के अपने एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मोदी की वो सोच है जिसके बूते वो देशवासियों के सामने नई मिसाल पेश करना चाहते हैं। 2014 के आम चुनाव में बेमिसाल बहुमत के साथ सत्ता में आने से लेकर अपनी सरकार के 100 दिन पूरे करने तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार ये जाहिर किया है कि वो जो सोच लेकर चलते हैं वो कामयाब होने वाली है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं है, लेकिन कार्यभार जिम्मेवारी ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। हमें देश को आगे ले जाना है और देश आगे चलेगा तो 125 करोड़ देशवासी जरूर आगे चलेंगे। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर बाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। ये भारतीय चिंतन का मूल मंत्र है और इसीलिए तो हम सबका साथ सबका विकास इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे 100 दिन का रिकॉर्ड देखिए आप, सिर्फ 100 दिन में हमारा जो जीडीपी था वो 4.4, 4.5, 4.6 पर लुढ़क रहा था। पिछले 2.5-3 साल में जो हमने अचीव नहीं किया था वो हमने 100 दिन में कर दिया और 5.7% के जीडीपी हमारा हमने अचीव कर लिया। ये बताता है कि हमारे जो निर्णय है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, ईज ऑफ बिजनेस की हमारी जो सोच है उसके कारण ये परिणाम मिल रहे हैं। जाहिर है मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार सही राह पर आगे बढ़ रही है, लेकिन बदलते घटनाक्रम से लगता है कि मोदी के कई मंत्री उनकी उम्मीदों को पलीता लगाने को तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को सौंपी है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने पहले 100 दिन में ही उनके निर्देशों को नजरअंदाज किया है। सूत्रों की माने तो मोदी का निर्देश था कि सभी मंत्री 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने पेश करें, लेकिन कुछ मंत्रियों ने ना तो ब्यौरा पेश किया और ना ही उसकी कोई तैयारी की।
अब पीएम ने अपने उन 14 मंत्रियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है जिन्होंने अब तक अपने कामकाज के 100 दिन का हिसाब नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का निर्देश था कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर तमाम मंत्री अपने मंत्रालयों का लेखा जोखा पेश करें, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय का ब्यौरा जनता के सामने पेश किया है और न ही अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में कोई जानकारी दी है। ऐसे 14 मंत्रियों के बारे में प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट तलब कर दी है। कौन कौन से हैं ये मंत्री जो पीएम के निर्देश की अनदेखी कर रहे हैं, जरा एक नजर डालिए। उमा भारती जल संसाधन मंत्री, नजमा हेप्तुल्ला अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, वीके सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री, अनंत कुमार रसायन और उर्वरक मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, अनंत गीते भारी उद्योग मंत्री, हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जुएल उरांव आदिवासी मामलों के मंत्री, संतोष गंगवार कपड़ा मंत्री, श्रीपद नाइक पर्यटन और संस्कृति मंत्री, सर्वनंद सोनोवाल कौशल विकास मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह योजना क्रियान्वयन मंत्री। इन सभी मंत्रियों ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि मोदी के विकास एजेंडे में पर्यटन कौशल विकास जैसे कई मंत्रालय बेहद अहम है। ऐसे में मोदी की इन मंत्रालयों समेत सभी मंत्रालयों पर खास नजर है। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो नहीं जानते कि मोदी की उनके कामकाज पर कितनी पैनी नजर है। लिहाजा ये मामला मीडिया में आने के बाद सफाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उमा भारती की अगुवाई वाले जल संसाधन मंत्रालय की ओर से कुछ ऐसी ही मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया गया है कि वो अपने 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में देश को जानकारी नहीं देना चाहता है। मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके कहा गया है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता, जैसा कि निर्देश दिया गया है। इस सिलसिले में साफ किया जा रहा है कि ऐसा कोई निर्देश मंत्रालय को नहीं मिला है और इस बारे में आ रही खबरें निराधार हैं। कई मंत्रालयों ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और जल संसाधन मंत्रालय भी उचित समय पर देश के सामने अपनी उपलब्धियों को रखेगा। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ दिन पहले ही पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों को देश को बताने के लिए संवाददाता सम्मेलन का कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा था और इस हिसाब से रोजाना 2 या 3 मंत्रालयों के संवाददाता सम्मेलन का आयोजन होने लगा। इनमें से कुछ मंत्रालयों का संवाददाता सम्मेलन हो चुका है और कुछ का काम बाकी है, जिनमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भी शामिल है। आपको बता दें, अब तक जो मंत्री 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा संवाददाता सम्मेलन करके पेश कर चुके हैं उनमें शामिल हैं वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संचार सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, सूचना प्रसारण, वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कई और केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालयों का लेखा जोखा पेश करने की तैयारी में हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जिन मंत्रियों की ओर से अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनसे प्रधानमंत्री खासे खफा हैं और इसीलिए पीएमओ की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ मंत्रियों के 100 दिन के कामकाज का हिसाब चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि मंत्री अपने मंत्रालयों की उपलब्धि का ब्यौरा देश के सामने दें, बल्कि सरकार की साफ सुथरी छवि बनाए रखने के लिए मोदी अपने मंत्रियों पर लगातार पैनी नजर बनाए रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इससे पहले मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में अपने एक करीबी मंत्री को खरी खोटी सुनाई थी। मोदी इस बात से नाराज थे कि मंत्री ने अपने मंत्रालय को कवर करने वाले कुछ पत्रकारों को तोहफे दिए थे। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान मोदी ने सबके सामने नाराजगी जताते हुए बाकी मंत्रियों को भी सख्त हिदायत दी थी कि वो किसी भी तरह के तोहफे बांटने से बचें। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री सबके सामने इस मंत्री की खिंचाई करके बाकी लोगों को संदेश देना चाहते थे कि ऐसे मामलों में उनके करीबियों को भी किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ये भी खबर है कि मोदी ने अपने एक मंत्री को किसी उद्योगपति के साथ होटल में डिनर पर भी एतराज जताया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर उठा विवाद पहले ही मोदी की कड़क अंदाज को जाहिर कर चुका है।
भले इस मामले में सच्चाई जो भी हो, लेकिन सरकार के नंबर दो मंत्री के बेटे की पीएम के सामने पेशी की चर्चा गर्म होना दूसरे मंत्रियों के लिए किसी रेड अलर्ट से कम नहीं। पीएम मोदी के कामकाज के अंदाज से उनके मंत्री वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार का कामकाज संभालने के तत्काल बाद मोदी ने अपने मंत्रियों, पार्टी के सांसदों, नेताओं और सरकार के अफसरों के लिए कई अहम गाइडलाइंस जारी कर दी थी। सीईओ की तर्ज पर सरकार चलाने वाले मोदी ने शुरू में ही यह साफ कर दिया था कि कोई भी मंत्री पीएमओ की मंजूरी के बगैर अपना निजी सचिव नहीं रख सकता। मंत्रियों को अपने रिश्तेदारों को भी निजी सचिव जैसे पद देने पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि मंत्री अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सरकारी ठेके कतई न दें। मंत्री अपने अपने विभागों का एक्शन प्लान बनाएं और अमल करें। मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। मंत्री नौकरशाहों का हौसला बढ़ाएं और एक्शन प्लान में शामिल हों। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता से जुड़े मंत्री, सांसद पैर छूने की परंपरा को बंद करें। संसद में सारे सांसद अपने इलाके के मुद्दों की तैयारी साथ करके आए। संसद में सांसदों का परफॉर्मेंस ही उनकी तरक्की का आधार बनेगा। मोदी ने राजकाज के पहले ही दिन साफ कर दिया था कि पद मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी निभाना बड़ी चुनौती है। इसलिए पहले ही दिन से मोदी ने खुद को एक बड़ी कंपनी के सीईओ की तर्ज पर ढाल लिया था। इसीलिए पहले ही दिन से उन्होंने मंत्रियों और अफसरों को ये बताना शुरू कर दिया था कि उन्हें अपने कामकाज के तौर तरीकों को बदलना होगा। मोदी ने न सिर्फ मंत्रियों से मंत्रालय में ज्यादा वक्त गुजारने की अपील की, बल्कि तमाम मंत्रालयों के अफसरों से भी सीधा संपर्क बनाकर सरकार पर अपनी और मजबूत पकड़ का संदेश दिया। साथ ही ये भी जाहिर कर दिया कि जो लोग सरकार में हैं, उन्हें सफल होना है तो पसीना भी बहाना होगा। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ हमें सफल होना है तो हमें श्रम एव जयते इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। सरकार के कामकाज में रफ्तार लाने के लिए पीएम मोदी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने यूपीए सरकार के सभी मंत्रियों के समूहों को भंग कर दिया और प्लानिंग कमीशन को भंग करने का फैसला किया। उन्होंने एक मंत्री को कई विभागों की जिम्मेदारी थमाकर न सिर्फ सरकार का छोटा आकार रखा, बल्कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र भी लागू करने की ठान ली। मोदी के कामकाज का तरीका सबसे अलग है, सबसे जुदा, अपने पूर्ववर्ती तमाम नेताओं से अलहदा। अपने पूर्ववर्ती तमाम नेताओं से अलहदा तरीके से फैसले लेने के तरीके से मोदी ने साफ कर दिया कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जरूर होगा। इसी के तहत मोदी ने न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी वैसी आजादी नहीं दी जैसी पिछले सरकार के मंत्रियों में थी। पीएम मोदी ने तय कर लिया कि न सिर्फ मंत्रियों और नौकरशाहों को वो निर्देश देंगे, बल्कि ये भी कहा कि उनकी हर हरकत पर उनकी पैनी नजर रहेगी। मोदी ने 60 महीनों में देश को बदल देने का ऐलान किया है, तो वो ये भी चाहते हैं कि उनकी सरकार का हर हिस्सा उनके विजन को समझे, उनके मंत्री उनके इरादों को अंजाम तक पहुंचाने में लगन से काम करें। मोदी ने सरकार का कामकाज संभालने के तत्काल बाद मंत्रियों से 100 दिन के कामकाज का एजेंडा तैयार करने को कहा था। उन्होंने तमाम मंत्रियों को बुलाकर उनके 100 दिन के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन भी लिए। इसका मकसद था सरकार की प्राथमिकताएं तय करना, असरदार प्रशासन, शानदार नतीजे और कार्यक्रम को मजबूती से लागू करना। अब वक्त आ गया है जब मोदी 100 दिन के उस रोडमैप का हिसाब मंत्रियों से लेना चाहते हैं। देश भी जानना चाहता है कि सरकार ने 100 दिन में क्या किया और क्या नहीं किया। ऐसे में अगर किसी और से कोताही दिखेगी तो मोदी तो नाराज होंगे, और इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसको मिलेगा मोदी के हाथों पुरस्कार और कौन झेलेगा पीएम का तिरस्कार?